क्या सच में मारुति सुजुकी जैसी इतनी बड़ी कंपनी अपनी डीजल गाड़ियां बंद कर रही है? क्या होगा मारुति सुजुकी विटारा, ब्रेजा, एस क्रॉस, सियाज और अर्टिका जैसी तमाम डीजल गाड़ियों का? क्या बाकी कंपनीज भी अपनी डीजल गाड़ियां बंद करने वाली हैं? क्या BS4 से BS6 में अपग्रेड करना अभी वाली गाड़ियों के लिए जरूरी है? क्या इस टाइम पर डीजल गाड़ी जो BS4 की होगी उसे परचेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्या होगा फ्यूचर डीजल गाड़ियों का इंडिया में? क्या BS4 या BS6 से अपग्रेड करने पर डीजल या फिर पेट्रोल गाड़ियों की माइलेज इंक्रीज होती है? अगर आपके मन में भी ये सब सवाल हैं तो इस वीडियो में वो सारे कवर होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए एक एक जवाब लेकर आया हूं, वो भी पूरी 2 हफ्ते की डिटेल रिसर्च करने के बाद। अगर आपके मन में इनमें से कोई भी सवाल आता है या फिर डीजल गाड़ी को लेकर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको हर एक सवाल का जवाब यहीं पर मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कार न्यूज़ बाय हॉटशॉट इन्फो। अगर आप भी मेरी ही तरह लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव, एक्सेसरीज, कंपैरिजंस और वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके मन में किसी भी गाड़ी को लेकर, चाहे वो पुरानी हो या फिर नहीं, उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे और आपकी सारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो के साथ। पहले मैं आपको मारुति कंपनी के अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी का कहना है कि जो उनकी टोटल सेल होती है उसमें से 25% शेयर है डीजल गाड़ियों का और बाकी 75% है उसकी पेट्रोल और CNG गाड़ियों का। अब डीजल की गिरती डिमांड और गवर्नमेंट के नए रूल्स को देखते हुए कंपनी ने फैसला किया है कि December 31, 2019 से बाद वो कोई भी नई डीजल गाड़ी लॉन्च नहीं करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2020 के बाद आपको उनके किसी भी शोरूम में कोई भी डीजल गाड़ी नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसे कौन से गवर्नमेंट रूल्स हैं जिसकी वजह से मारुति सुजुकी जैसी इतनी बड़ी कंपनी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली भारत Stage 6 एमिशन नॉर्म्स होते हैं जो एक डिसाइड करते हैं कि एक गाड़ी या फिर एक इंजन कितना पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। और इतने सारे पोल्यूशन को बढ़ते देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि इन एमिशन नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जाए और गाड़ियों के इंजन के जो पोल्यूशन आता है उसे थोड़ा कम किया जाए, जो पोल्यूशन जनरेट करती है इंजन। अब इस चीज़ को देखते हुए ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो पेट्रोल इंजन को अपग्रेड करने की कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, करीब 10,000 से 25,000 रुपीज़ में एक पेट्रोल इंजन BS4 एमिशन नॉर्म्स वाले को BS6 में आप अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन पहले से ही कम पोल्यूशन जनरेट भी करता है और उसे अगर हम अपग्रेड करना चाहें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डीजल गाड़ियां जो हैं, जो डीजल इंजन है, उन्हें अगर BS4 से BS6 में अपग्रेड करना हो तो कम से कम 1 लाख की कॉस्ट आएगी और वो 1.5 लाख तक भी जा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख से 1.5 लाख तक की कॉस्ट आती है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सोचा है कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट अगर हो गई तो पहले ही पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में बहुत ज़्यादा गैप है प्राइस में, 1 लाख का गैप तो आ ही जाता है। और अगर BS4 से BS6 में चेंज करना हुआ यानी कि अपग्रेड करना हुआ तो जो कॉस्ट है उसमें 2 से 2.5 लाख का फ़र्क आ जाएगा। और वैसे भी पेट्रोल और डीजल के जो फ्यूल प्राइजेस है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। लेकिन बाकी कंपनीज भी तो हैं, जैसे कि टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, फोर्ड और होंडा भी। इनकी तरफ से डीजल गाड़ियों का क्या होगा अभी सारी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन महिंद्रा और टाटा ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि महिंद्रा की OV100 और टाटा टिगोर, टाटा टियागो को BS4 से BS6 डीजल में अपग्रेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस पर आती हैं और इसे अगर अपग्रेड किया तो इनकी प्राइस में काफ़ी इंक्रीज़ आ जाएगा और शायद तब लोगों को पसंद ना आए। लेकिन मारुति सारी डीजल गाड़ियाँ क्यों बंद कर रही हैं, इसका जवाब मेरे पास है। मैं आपको बता दूं कि अभी मारुति कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ियाँ नहीं बनाती हैं, ये एक बजट फ्रेंडली गाड़ियाँ ऑलरेडी बना रही हैं। और अगर इन सारी गाड़ियों में 1 से 1.5 लाख की प्राइस ऐड कर दी जाए तो मुश्किल हो जाएगा गाड़ियों को सेल करना। ऑलरेडी डीजल गाड़ियाँ सिर्फ 25% सेल हो रही हैं, इसीलिए कंपनी ने सोचा कि एक नया डीजल इंजन बनाया जाए। तो उन्होंने एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन पहले वो बना रहे थे, लेकिन डीजल की डिमांड को देखते हुए उन्होंने सोचा कि इसे भी लॉन्च नहीं किया जाएगा बाकी गाड़ियों में। इसे ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है अर्टिगा में और सियाज में और जल्दी इसे एस क्रॉस में भी लाया जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि आफ्टर दिस ब्रेजा में आपको ये 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है या नहीं। लेकिन कंपनी का कहना एक और चीज़ है कि वो 1 अप्रैल से हो सकता है कि अगर डीजल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तब एक ये 1.5 लीटर का डीजल यूनिट लिया जाए, लेकिन ये छोटी गाड़ियों में नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़ी गाड़ियों में ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता डीजल गाड़ियों की डिमांड अब बढ़ने वाली है।
अब आता है मेजर क्वेश्चन, क्या इस टाइम पर एक BS4 डीजल गाड़ी लेनी चाहिए? तो मेरा सुझाव है हाँ भी और ना भी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप रेगुलरली बहुत किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं और जल्दी गाड़ी बदल लेते हैं तो एक डीजल गाड़ी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन अगर आप कम ट्रेवल करते हैं और एक स्मूथ इंजन चाहते हैं तो पेट्रोल इंजन बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक डीजल गाड़ी लेना ही चाहते हैं तो अभी नहीं, ये आप वेट करिए नवंबर या फिर दिसंबर तक, क्योंकि उस टाइम पर सारे शोरूम सारी कंपनीज हर BS4 डीजल गाड़ी पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स देने वाली है। और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 2020 में भी आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, सिर्फ मारुति कार्स पे ही नहीं, हर एक BS4 डीजल इंजन वाली गाड़ी पे। अगर आप एक लंबे समय के लिए एक स्मूथ गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो पेट्रोल इंजन आपके लिए बेस्ट रहेगा, और उसको बाद में यानी कि 1-2 साल बाद आप उसे BS6 में अपग्रेड करा सकते हैं। एक और सवाल होता है लोगों का कि क्या डीजल या फिर पेट्रोल गाड़ी को अगर हम BS4 से BS6 में अपग्रेड करेंगे तो माइलेज इंक्रीज होती है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन BS4 इंजन से अगर आप BS6 इंजन में आते हैं और BS6 फ्यूल भी उसमें यूज़ करते हैं तो गाड़ी और स्मूथ भी हो जाती है और काफ़ी पोल्यूशन कम जनरेट करती है। तो ये सब था BS4, BS6, डीजल इंजन्स, डीजल कार्स और मारुति की कार्स के रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का आंसर। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर मेरे से कोई सवाल छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो किस बात का वेट कर रहे हैं, इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारी भी हेल्प करें इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव्स, एक्सेसरीज, कंपैरिजंस और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।